हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो पायथन प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बनाएंगे एक गेम जिसका नाम है गेस अ नंबर। गेस अ नंबर में हम क्या करेंगे, एक नंबर जो कि हिडन रहेगा हम उसको गेस करके फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिफ़िकल्टीज़ मैंने दी है, जैसे कि इस गेम की डिफ़िकल्टीज ईजी मीडियम हार्ड रहेगी। इसमें जो यूज़र है वो चूज़ कर सकता है उसको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ में गेम खेलना है। और जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हिडन नंबर एक वन है, जैसे हिडन नंबर एग्जांपल के तौर पे हम वन मान लेते हैं। हमारे पास इस वन को ढूंढने के लिए 5 चांसेस रहेगी। ओके, तो जैसे कि इनपुट में हमने कोई नंबर डाला और वो ग्रेटर देन 100 है तो ये हमको हिंट मिल जाएगी। यहाँ पे हम हिंट भी देंगे वेरी फॉर, तो यहाँ पे जो है वेरी फॉर आ जाएगा। और अगर 100 से 50 के बीच में वो नंबर रहेगा, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ वो वन नंबर है, तो 100 से 50 के बीच में रहेगा तो वो तब भी फॉर लिख के आएगा। और 50 से 20 के बीच में आएगा तो इसको क्लोज का हिंट मिलेगा। और 10 से 2 के बीच में अगर आएगा तो वेरी क्लोज हो जाएगा। और अगर उसको यहाँ से 1 किसी ने डाल दिया तो वो गेम को वॉन कर जाएगा। तो गाइस देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम जो है सबसे पहले लिखते हैं एक रैंडम मॉड्यूल को, जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो रैंडम शायद सारे गेम में जो है ज़रूर कोई ना कोई गेम में जो है जो भी गेम होता है उसमें जो रैंडम की रिक्वायरमेंट होती है। और रैंडम के बाद हम जो है यहाँ पे एक मेन लिखेंगे, इफ़ नेम इक्वल इक्वल्स टू मेन। यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करेंगे कि यहाँ पे स्लैश टी दे देता हूँ और एक हेडिंग के तौर पे वेलकम स्क्रीन वेलकम या कैसा नंबर गेम। आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, नंबर गेम बाई दैट। ओके, तो इसके बाद जो है मैं एक और प्रिंट में जो है चूज़ डिफ़िकल्टी को लगा देता हूँ। यहाँ पे यूज़र को बता देता हूँ कि डिफ़िकल्टी क्या है। तो हमने यहाँ पे जो है डिफ़िकल्टी को प्रिंट करा दिया है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे जो है प्रिंट करा सकते हैं वो कि हम जो है दे दें कि 1 से इजी और स्लैश एन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और 2 से मीडियम, 3 से हो गया हमारा हार्ड कर देंगे हम। अब हमको यहाँ पे ये करना है कि हम जो है यूज़र को इनपुट देंगे। हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, अब यहाँ पे यूज़र डालेगा कि उसको क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम इंट ऑफ इनपुट दे देते हैं। इंट ऑफ इनपुट से क्या रहेगा कि हमको जो है 1 2 में ही डालेगा, वो ए बी सी डी नहीं डालेगा, नहीं तो उसे एरर मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद हम जो है चांसेस जो है एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें जो है 5 की वैल्यू उसमें स्टोर कर देंगे। और इसके बाद जब भी कोई जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो है डिक्रीज़ करा देंगे चांस को अगर कोई खेलेगा गेम को। तो गाइस हम इसके बाद ये करेंगे कि अगर यूज़र 1 टाइप करता है मतलब कि वो इजी में जाना चाहता है, तो इजी वो खेलना चाहता है गेम को, तो हम जो है एक इजी वाला जो है गेम बना देते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बना लिया है मैंने, और रैंडम को मैं एक रैंडम रेंज, एक फंक्शन होता है रैंडम रैंड रेंज, और रैंड रेंज में हम दे देंगे यहाँ पे 0 से 50 तक का। तो यहाँ पर 0 से 50 तक का हमने नंबर दे दिया है, और ईजी में हम 0 से 50 तक का ही नंबर देंगे, और मीडियम में हम जो है 0 से 100 देंगे, और हम हार्ड में जो है 200 तक अप टू दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। तो वाइल लूप लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रू लगा दूँ तो ये जो बन जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनाइट लूप। तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे करूँ कि प्रिंट कर दूँ सबसे पहले तो क्या गेस एनी नंबर यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि गेस करो कोई नंबर फ्रॉम 0 to 50। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि यूज़र नंबर, हम यूज़र के नंबर को इनपुट देंगे इंट ऑफ इनपुट। यहाँ पे भी इंट ऑफ इनपुट देना है हमें क्योंकि इसको नंबर में ही दबाना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम चांसेस को इक्वल्स टू -1 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे ही उसने नंबर डाला कोई तो वो खेल चुका है, एक चांस तो उसकी कट जाएगी। तो हमने एक चांस उसकी जो है डिक्रीज़ कर दी है, और उसके पास अब जो है 4 चांसेस बचेगी अगर वो पहली बार खेल रहा है तो। इसके बाद हम जो है प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट हम कराएंगे चांसेस को, चांसेस लेफ्ट, हम यहाँ पे चांसेस को प्रिंट करा दिया है। तो इसके बाद हम जो है कंडीशंस देंगे, कंडीशंस कैसी, इफ़ यूज़र, अगर यूज़र नंबर जैसे कि मिल जाता है उसको किससे मिल जाता है, रैंडम से, जो कि रैंडम हमारा था, उसने रैंडम यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0 से 50 तक का। तो यहाँ पे अगर वो रैंडम इक्वल हो जाता है इसके,
तो उसमें क्या करो, फिर उसमें जो है फिर प्रिंट कर दो यू वॉन, और बस इतना ही करना है। और अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे एलिफ करेंगे, एलिफ यूज़र नंबर, एलिफ यूज़र नंबर ग्रेटर देन रैंडम, ग्रेटर देन रैंडम। अगर वो ग्रेटर है मतलब कि ग्रेटर नंबर डाला है, जैसे कि एग्जांपल पे हम हिडन नंबर 10 है तो हमने 20 डाल दिया है तो वो बड़ा हो गया है ना उससे, तो अगर बड़ा है तो क्या होगा। तो हम जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे जो है एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा हिंट, और यहाँ पर मैं जो है डिफरेंस दे दूँगा, एक डिफरेंस पैरामीटर दे दिया है मैंने यहाँ पे। मैंने हिंट बनाया है एक फंक्शन जो कि जो यहाँ पर क्या करेगा कि हमको हिंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ये फॉर है, जैसे कि हमने देखा तो वहाँ पे क्लोज टू मच क्लोज, ओके। तो हम यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाने से क्या होगा कि मैं यहाँ पर जैसे कि ईजी है और ईजी है और मीडियम हार्ड है, तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं एक बार फंक्शन को कॉल करूँगा और मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी वैसे करके, ओके। तो यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा है, तो अगर डिफरेंस हमारा जो है क्या होगा, मतलब कि डिफरेंस स्मॉलर और इक्वल टू 100, अगर वो 100 के अंदर है एंड डिफरेंस क्या है 50 तक है, 100 से कम है 50 से बड़ा है, ओके। तो प्रिंट कर दो फॉर, और यहाँ पे भी ऐसे एल इफ़ मैं लगाऊंगा और डिफरेंस लिखूंगा, और अगर वो इक्वल है 50 से एंड डिफरेंस वो कहाँ तक है 20 तक है, ओके। तो प्रिंट कर दो क्लोज और एल इफ़ एक और डिफरेंस, और यहाँ पे हम 20 देंगे और एंड डिफरेंस ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो टू क्लोज, तो यहाँ पे टू क्लोज आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हम एक और देंगे TIFF डिफरेंस स्मॉलर और इक्वल टू 10 एंड डिफरेंस यहाँ पर हम दे देंगे 1 इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो डिफरेंस को टू मच क्लोज। तो यहाँ पे हमने जो है बना लिया डिफरेंस का मतलब, यहाँ पर ये है कि हम जो है डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक करेंगे वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़ को, हम जो है रैंडम और जैसे कि हिडन नंबर है, हिडन नंबर हमारा 10 है, 10 है हमारा, और हमने जो है वैल्यू डाली है जैसे कि यूज़र नंबर है, हमने वैल्यू डाली वहाँ पर, गेस किया कोई नंबर को 20 डाला, तो उसका जो है डिफरेंस होगा तो 10 होगा, ओके। 10 हुआ तो हमारा 10 डिफरेंस कहाँ से यहाँ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हमारा जो है ये वाला फॉलो कर रहा है जो कि लास्ट है, एंड इफ डिफरेंस अगर 10 है, 10 और 1 के बीच में है, तो क्या आ जाएगा टू मच क्लोज। जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो जो है फॉर कहता जाएगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा वो क्लोज आता जाएगा, ओके। तो ऐसा है, कुछ सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके बाद हम एक और चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि एल इफ अगर मैंने किया, एल इफ डिफरेंस हमारा, अगर डिफरेंस क्या है हमारा, अगर 100 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो उसको वेरी फॉर हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया था, एलिफ यूज़र नंबर ग्रेटर देन रैंडम, अगर वो रैंडम से बड़ा है तो जो हमारा डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस इसको हम डिफरेंस क्या करेंगे, रैंडम यूज़र नंबर से, यूज़र नंबर जो हमारा है, यूज़र नंबर माइनस रैंडम करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे वो फंक्शन जो है हम कॉल कर लेंगे हिंट को। तो हिंट को हमने कॉल कर लिया और यहाँ पे आर्गुमेंट देना है हमें डिफरेंस, ओके। तो ये वाला डिफरेंस हमारे पास इसमें आर्गुमेंट में आ जाएगा, और इसके बाद हम सिंपली ये करेंगे कि एलिफ एक और लगाएंगे, यूज़र अगर, यूज़र नंबर अगर छोटा है उससे, ओके, छोटा है रैंडम से तो क्या होगा, तो हम वही वैसे ही करेंगे डिफरेंस, बट जो हमारा है रैंडम को सब्सट्रैक करेंगे यूज़र से, यूज़र नंबर, और हमारा हिंट वैसे ही करना है और डिफरेंस को आर्गुमेंट दे देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं हमारा ये कैसे काम कर रहा है, हमारा ईजी वाला। तो यहाँ पे मेरे को देना है चूज़ डिफ़िकल्टीज़ में, मैं जो है इजी को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमने अभी वही बनाया है, और यहाँ पे देखा आपने एरर आ गया है, एरर क्या है,
तो यहाँ पे एरर इसका आ रहा है कि हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स पे गड़बड़ कर दी थी। तो यहाँ पे इनपुट पे हमने जो है ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वन नंबर डाल दिया और गेस एनी नंबर 0 to 50 आ गया है यहाँ पे। अब मैं जो है देखता हूँ कि मैं जीतता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर जो है चांसेस लेफ्ट -1। ओके, हमारे पास कुछ और गड़बड़ हो रहा है। तो चांसेस लेफ्ट में हमने क्या कर दिया था, माइनस को माइनस इक्वल्स टू करना था हमको, तो इक्वल्स टू माइनस कर दिया था, तो इस वजह से हमारा एरर आ जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इजी डाला और गेस एनी नंबर फ्रॉम 0 to 50 मैं डालता हूँ 25, और चांसेस लेफ्ट 4 है मेरे पास और 2 क्लोज है। तो यहाँ पे मैं 2 क्लोज में एक 20 डाल देता हूँ। ओके, अब भी यहाँ पे 2 क्लोज है, 15 डाल के देखता हूँ। 2 मच क्लोज है, आई थिंक कि मैं जो है अब एक ही करके चलता हूँ या फिर 2, तो मैं यहाँ पे 13 कर दूँगा। तो यहाँ पे 2 मच क्लोज हो चुका है, और तो अब लास्ट चांस है, तो मैं 12 ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि होता है कि नहीं। नहीं हुआ और हम हार चुके हैं, तो 2 मच क्लोज है। इसके बाद भी हम डाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जीत जाते हैं तो सबसे पहले तो ब्रेक कर देंगे, और जब जीत जाएंगे तो ब्रेक कर देंगे। और हम अगला यहाँ पे ये करेंगे कि अगर चांसेस इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो प्रिंट कर दो यू लॉस्ट। और नंबर भी हमको प्रिंट कराना पड़ेगा कि नंबर क्या था भाई, नंबर तो बता दो क्योंकि हार चुके हैं। तो द हिडन नंबर इज हम दे देंगे सिंपली रैंडम को। तो गाइज हमको इसके बाद ये करना है कि हम जो है यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे हमारा ये था, और सिंपली क्या करेंगे इसको जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे, और इसके साथ फिर से एक बार कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट वाला हमारा जो है टेक्निक काम आ गई यहाँ पे, और यूज़र जैसे कि था यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और यहाँ पे हम 0 to 100 कर देंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट में भी हम यहाँ पे 100 कर देंगे, और यहाँ पर 3 कर देंगे, और यहाँ पर 200 दे देते हैं, 200 कर देंगे। और आप अपने से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस गेम को, और यहाँ पे मैंने जो है दे दिया है। अब हमारा जो है सब सारा जो है वर्क करेगा परफेक्टली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ रन करा मैंने, तो यहाँ पे जो है मैं हार्ड पे सेलेक्ट करता हूँ, तो कैसा नंबर फ्रॉम 0 to 200। तो यहाँ पे अगर मैं 50 डालता हूँ तो चांसेस लेफ्ट 4, तो मैं क्लोज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। अब 25 में अगर जाता हूँ तो 2 क्लोज है, तो 3 चांसेस बची। अब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं डालता हूँ 20 डाल के देखता हूँ, तो 2 मच क्लोज है। आई थिंक ये वाला मेरे को जीतना है, तो 2 मच क्लोज में आई थिंक कि मैं 19 डालूँ। 2 मच क्लोज में आखिरी चांस बची है, और मैं इस बार लगता है फिर से नहीं जीत पाऊँगा 2 मच क्लोज में जाने के बाद भी। यू लॉस्ट यहाँ पे लिख के आ गए, यू 2 मच क्लोज एंड यू लॉस्ट, द हिडन नंबर इज 11। तो यहाँ पे मैं 18 डाल रहा था। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 के बाद कर सकता हूँ, और वेरी वेरी मच क्लोज लिख सकता हूँ, तो और इजी हो जाएगा गेम। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो हमारा ये गेम जो है बन चुका है। आपको और भी कस्टमाइज़ करना है आप इस गेम को तो कर सकते हैं, इसमें रूल्स बता सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं इस गेम के। मैंने यहाँ पे रूल्स नहीं प्रिंट कराए थे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और तो आप यहाँ पे मेरी बहुत सारी वीडियोस को और भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिस प्लेलिस्ट में, और पाइथन प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्नेक गेम बनाया है, और मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाइथन से रिलेटेड और एंड्रॉयड से रिलेटेड भी बनाया है, जैसे कि ऑटोमेट योर पीसी, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं पाइथन से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यू कैन चेक इट आउट वीडियोज आफ्टर दिस वीडियोज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।